हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के एग्रीकल्चर बायो सब्जेक्ट को, जिसमें कल के वीडियो में अपन ने एक नया अध्याय शुरू किया था जिसका नाम था अध्याय तीसरा हमारा आवर्तबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी एवं लक्ष्य। आवर्तबीजी पादपों के बारे में अपन ने शुरुआत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है ये हमारा लेसन है, क्योंकि इससे कई सारे सवाल भी बनते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और आने वाले जब भी अपन कोई भी कंपटीशन के एग्जाम भी देते हैं तो इससे कई सारे सवाल बनते हैं। तो जब अपन को ये आगे पढ़ना ही है वापस जाके, तो क्यों ना अपन इसी की इसकी अभी से तैयारी शुरू कर ले और इसको अच्छे से पढ़े। तो देखिए, आवर्तबीजी पादपों के बारे में अपन ने शुरू किया था और अपन ने पढ़ा था आवर्तबीजी किसे कहते हैं। आवर्तबीजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आवर्त और दूसरा बीजी। आवर्त का मतलब आवरण युक्त और बीजी यानी बीज, अर्थात ऐसा बीज जिसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। अब बीज के चारों तरफ किसका आवरण पाया जाता है? फल भित्ति का आवरण पाया जाता है। तो ऐसे पादप जिनके बीज के चारों तरफ क्या पाई जाती है? फल भित्ति पाई जाती है, उन्हें अपन आवर्तबीजी पादप कहते हैं। इन आवर्तबीजी पादपों के चार भाग होते हैं, कौन कौन से? जड़ तना पत्ती और पुष्प। ठीक है, जड़ जो जमीन से पानी को सोखने की और नमी को सोखने का, खनिज लवणों को सोखने का कार्य करती हैं। ठीक है, जड़ गुरुत्व की तरफ, अर्थात गुरुत्व और जल की तरफ गति करती है, प्रकाश से दूर गति करती है। तना होता है वह प्रकाश की तरफ गति करता है और गुरुत्व और जल से दूर की तरफ गति करता है, विपरीत गति करता है। फिर अपने पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, और पुष्प होते हैं वो लैंगिक जननांग होते हैं इनके पौधों के, जिनके द्वारा लैंगिक जनन होता है। उसके बाद हमने आयु के आधार पर पढ़ा था कि आयु के आधार पर आवर्तबीजी पादप कौन से है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आयु के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा था, एक तो आवृत एक वर्षीय पादप, दूसरा द्विवर्षीय पादप और तीसरा बहुवर्षीय पादप। पहला पादप एक वर्षीय, जिसमें एक ऋतु या एक वर्ष में क्या हो जाते हैं, उनका पूरा परिपक्व हो जाते हैं, उनके फल फूल बीज लग जाते हैं एक ऋतु में। ठीक है, दो वर्षीय पादप में 2 वर्ष लगते हैं उनको फल फूल लगने में, जिसमें पहले वर्ष में तो पौधा सिर्फ लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि करता है, सिर्फ उसकी कायिक वृद्धि होती है। दूसरी चीज, दूसरे वर्ष में उनमें क्या होता है, पुष्पन होता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। बहुवर्षीय पादपों में जो एक बार लग जाते हैं पादप, एक बार जो उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी जड़ें पकड़ लेती हैं, वो फिर प्रत्येक वर्ष निश्चित ऋतु में क्या करते हैं, फल और फूल देते हैं। तो यहां तक अपन ने पढ़ा था, और उसके बाद आवास के आधार पर अपन ने शुरू किया था। क्या आवास के आधार पर आवर्तबीजी पादप शुरू किए थे? आवास के आधार पर आवृत बीजी पादप, ये चीज अपन ने शुरू की थी। और इसमें भी अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो मरुद्भिद पादप और दूसरा छलोजविद पादपों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इसके बारे में मरुद्भिद पादप कौन से होते हैं, वहां कोई मरुद्भिद कैसी जगह होती है? मरुद्भिद ऐसी जगह होती है जो मरुस्थल को अपन कहते हैं, जिसमें ताप अत्यधिक मात्रा में होता है, जिससे नमी की कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है, जमीन सूखी होती है, शुष्क वातावरण होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें अब जहां वातावरण शुष्क होता है, तापमान बहुत ज्यादा होती है, वहां पानी की हानि वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी की हानि बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस हानि को बचाने के लिए इनके अंदर कुछ ना कुछ रूपांतरण हो जाते हैं, इनकी जड़ें तने जड़े लंबाई में वृद्धि करके गहराई तक पानी को खींचने का कार्य करती हैं। पत्तियां होती है वो कांटों में बदल जाती हैं। फिर अपन ने पढ़ा था जलोद्भिद पादपों के बारे में। जलोद्भिद पादप कौन से होते हैं? जलोद्भिद पादप वे होते हैं जिन वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा का मतलब जैसे दलदली भूमि है जहाँ पानी हमेशा बना ही रहता है। ठीक है, और पानी यानी समुद्रों के किनारे या फिर कह सकते हैं नदियों तालाबों के किनारे जो पौधे पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, वहां ये जलोद्भिद पादप होते हैं। जलोद्भिद पादपों में
जो पानी का अवशोषण होता है वो सतह के द्वारा होता है, उनकी त्वचा के द्वारा होता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ पानी बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनकी जड़ें भी कम विकसित होती है, क्योंकि जड़ों का कार्य होता है खनिज लवणों और पानी को सोखने का। अगर जैसे मरुस्थली मरुद्भिद पादपों में होता है, जमीन में पानी बहुत गहराई तक पाया जाता है, तो इनकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो पानी के, वो पानी में ही उग रहे हैं, तो जड़ों का क्या काम? इसलिए यहाँ पर जड़ें बिल्कुल अल्प विकसित होती है, बहुत ही कम विकसित होती है, किनमें? जलोद्भिद पादपों में। आज अपन पढ़ेंगे समोद्भिद पादप। समोद्भिद पादप वे होते हैं जो ऐसी जगह पर उगते हैं ना जहां ना तो ताप ज्यादा हो ना कम हो, ना जहां ना पानी की कमी हो ना ज्यादा अधिकता हो। यानी लवणोद्भिद सॉरी मरुद्भिद और जलोद्भिद की बीच की जो अवस्थाएं होती हैं वहां पर ये पादप पाए जाते हैं। अब इससे पहले जो एक नोट बनाकर अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अब वे उभयचरी पादप जो होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और तो थोड़ा बहुत बाहर भी उग जाते हैं, ठीक है। उभयचरी पादपों में क्या होता है? आवर्तभिन्न के जो वायवीय भाग होता है अर्थात जो प्रो भाग होता है, प्रो भाग किसे कहते हैं? जमीन के ऊपर का जो हवा में रहने वाला पौधे का भाग होता है उसे अपन प्रो भाग कहते हैं। ये परोह भाग या आवर्तबीजी उभयचरी आवर्तबीजी पादपों का जो परोह भाग या वायवीय भाग होता है, वह वायवीय भाग में क्या होता है? सरल व बड़े पर्ण फलक वाले पर्ण मिलते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है? उभयचरी पादपों में जो बड़ा पर्ण फलक मिलता है, यानी बहुत ही बड़ी इस प्रकार से बड़ा पर्ण फलक पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, जबकि जलमग्न जो पानी के अंदर पाए जाते हैं पादप, उभयचरी का मतलब थोड़ा बहुत बाहर थोड़ा अंदर पानी के अंदर, और जलमग्न का मतलब क्या होता है कि जो जमीन के सॉरी पानी के अंदर ही उगते हैं, उनका कोई भी भाग पानी के बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो रिपिन सदृश्य ऐसे जल में मग्न आवर्तबीजी पादपों में रिबन सदृश्य क्या रिबन के जैसी संरचना वाले पत्ते पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण को विषम पर्णता अपन कहते हैं। तो देखिए लिखते हैं इसे नोट बनाकर क्या लिखना है, ध्यान दें। उभय चरी पादप, उभय चरी आवृत बीजी पादपों के वायवीय भाग अर्थात प्रोह भाग में, इसमें प्रोह भाग में, प्रोह में बड़े व पतले पर्ण फलक वाली बड़ी व पर्ण पतली पर्ण फलक वाली पत्ती या कह सकते हैं पर्ण पाद होता है, जबकि जबकि क्या जबकि जलमग्न आवृत पीजी पादपों में जलमग्न आवृत बीजी पादपों में क्या होता है? जलमग्न आवृत बीजी पादपों में रिबन जैसी संरचना वाले पर्ण पाए जाते हैं, इस विषम इस लक्षण को इस गुण को लक्षण को विषम पर्णता कहते हैं।
अर्थात जो पानी है, मान लो ये पानी है, इस पानी के ऊपर जो उभयचरी पादप होते हैं जो क्या होते हैं, आधे तो बाहर और आधे जमीन के अंदर होते हैं, तो इनके साथ तने के साइड से यहाँ पर बाहर की तरफ जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही चौड़ाई में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और पतले होते हैं, जिससे इस प्रकार से वो पानी पर तैरते रहते हैं, जो पौधे को क्या करते हैं अंदर की तरफ डूबने नहीं देते। लेकिन जल मग्न जो जमीन के पानी के अंदर है उनमें जो पत्तियां होती हैं वो पर्ण प्रकार की, इस प्रकार से रिबिन की तरह पत्तियां होती हैं। जैसे अपन ने आपने कहीं मूवी में या कहीं भी आपने देखा होगा जो पानी में तैरना सिखाते हैं तो पहले उनको क्या करते हैं, ऐसे टायर या ट्यूब जो होता है उसमें हवा भर के क्या करते हैं उनमें, उसमें डालकर उनको तैरना सिखाते हैं। ये किस लिए करते हैं, क्योंकि ये हवा वाला जो ट्यूब होता है, ठीक है, ये रिंग होती है, रिबन जैसी संरचना, वलय संरचना, वो क्या करती है इनको डूबने से बचाती है, ठीक है। तो ये रिबन जैसी संरचना भी इनको क्या करती है, पूरा का पूरा अंदर की तरफ झुकने से बचाती है, एकदम सीधा क्या करती है इनको खड़े रखती है, ठीक है। तो इसलिए ये पाया जाता है विषम पर्णता, इस लक्षण को अपन विषम पर्णता कहते हैं। आगे देखिए अगला जो अपना पादप है प्रकार वो है समोद्भिद। समोद्भिद पादपों में क्या होता है, समोद्भिद पादपों में ये पहली बात तो ये मरुद्भिद और जलोद्भिद के क्या होते हैं, बीच में पाए जाने वाले, इन दोनों परिस्थितियों के बीच की अवस्था पर कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे मेसोफाइट कहा जाता है। पहली बात तो मेसोफाइट कहते हैं, इसे मेसोफाइट कहते हैं। यह सामान्य नमी व ताप वाले स्थान पर पाया जाता है, यह सामान्य नमी व ताप क्षेत्र में पाए जाते हैं, सामान्य नमी व ताप वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं मरुद्भिद व जलोद्भिद के बीच की श्रेणी के हैं, अर्थात मरुद्भिद व जलोद्भिद की बीच की श्रेणी के क्या होते हैं, बीच की श्रेणी, अर्थात ना तो यहां पर नमी ज्यादा होती है जलोद्भिद की तरह, ना ही नमी कम होती है मरुद्भिद की तरह, ना ही ताप ज्यादा होता है यहाँ पे मरुद्भिद की तरह, ना ही ताप बिल्कुल कम होता है यहां पर जलोद्भिद की तरह। इनमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, इनमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, इनमें मूसला जड़ व अपस्थानिक प्रकार की जड़ें पाई जाती है। ऐसे जो पादप होते हैं जो समोद्भिद में उगते हैं उसमें दो प्रकार की जड़ें होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। इसकी चर्चा अपन आगे पूरी अच्छी तरीके से हमारे जड़ पार्ट में करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जड़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं मूसला जड़ जो आपको क्या होती है। मूसला जड़ में क्या होता है, पौधे के तने के सबसे नीचे वाले भाग से एक तो क्या निकलती है, मूल जड़, एक निकलती है मूल जड़, ठीक है, और इसके पास में इसके साइड में अन्य जड़ें निकलती है। इस प्रकार का जड़ का जो तंत्र होता है उसे तो कहते हैं अपन मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ में कोई मूल जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक ही जगह से इस तने के नीचे वाले भाग से निकलती है, ठीक है, इसलिए ये होती है अपस्थानिक जड़। और ये बहुत सारे धागों के रूप में, बारीक पतले जड़ों के रूप में निकलती है, धागों जैसी संरचना होने के कारण इसे रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। इन पादपों में देखिए अगला गुण है इनमें,
इनमें तना या स्तंभ जो होता है वो ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ एकदम सीधा खड़ा होता है, ऊर्ध्व व शाखित होता है, शाखित होता है अर्थात एकदम तना सीधा होता है और इसकी क्या निकलती है, शाखाएं निकलती है। पत्ती जो होती है, इन पादपों में क्या होती है, पत्ती जो होती है वो पत्ती पतली होती है, पत्ती पतली होती है और भित्ति युक्त होती है, पतली भित्ति युक्त होती है जिसके नीचे की तरफ अधिचर्म अर्थात नीचे के जो आवरण होता है उसकी तरफ क्या होता है, उसकी तरफ रंध्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी पत्तियां पतली भित्ति युक्त होती हैं, भित्ति युक्त होती है। इनकी पत्तियां कैसी होती है, पतली भित्ति युक्त होती हैं, जो जिनके नीचे रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं का मतलब इनके नीचे पत्तियों के नीचे के तरफ छोटे छोटे बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होते हैं, छेद होते हैं, जो क्या करते हैं वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को बाहर त्यागने का कार्य करते हैं। अब जैसे एग्जांपल गेहूं, कपास, गेहूं, कपास, आम, अमरूद आदि, तो ये हमारे समोद्भिज पादप हैं जिनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब स्क्रीन शॉट ले ला पहले इसका ताकि आप उठा सके इसको जल्दी से। देखिए अगला अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर अगला जो हमारा है लवणोद्भिद पादप कहा जाता है। लवणोद्भिद का मतलब होता है जो खारे पानी में समुद्र या समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, खारे पानी समुद्र या समुद्र के कहां पाए जाते हैं, किनारे पाए जाते हैं, समुद्र या समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इन्हें हेलोफाइट भी कहते हैं। इनका जो कोशिका द्रव्य होता है कि सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है और बाहर कम होती है, ठीक है। इनकी जो सांद्रता होती है, कोशिका द्रव्य बहुत ही ज्यादा सघन होता है खारे पानी में पाए जाने के कारण, तो कोशिका द्रव्य की जो सांद्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण ये मृदा से जल का अवशोषण आसानी से कर पाते हैं। हाँ अपना अगला है चौथा, चौथा है अपना लवणोद्भिद, लवणोद्भिद पादप। इन्हें हेलोफाइट कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अपन हेलोफाइट कहा जाता है, इन्हें हेलोफाइट कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हेलोफाइट भी कहा जाता है, अन्य नाम इसका हेलोफाइट, ठीक है। कई बार छोटे नंबर के सवाल में ये पूछ लेता है, या फिर ऐसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी पिछली क्लास में भी बताया था, क्या बताया था कि अब इनका लवणोद्भिद अगर पादप नाम आएगा तो आप आराम से पहचान जाओ लवण यानी खारा पानी, खारे पानी में या समुद्र में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उसे अपन लवणोद्भिद कहते हैं, आराम से आप पहचान जाओगे, तो आराम से आप ना पहचान पाओ इसीलिए एग्जामिनर इसको क्या करता है, हेलोफाइट बोल के आपसे सवाल पूछता है कि हेलोफाइट के गुण लिखिए। आप सोचते रह जाते हो हेलोफाइट क्या होता है, हेलोफाइट लवणोद्भिद कोई कहा जाता है। देखिए ये कहां पाए जाते हैं, ये लवणीय जल एवं मृदा में पाए जाते हैं,
कहां पाए जाते हैं? ये लवणीय जल एवं मृदा में पाए जाते हैं, अर्थात लवणीय खारे जल या खारी जमीन जहां पाई जाती है, मृदा जहां खारी पाई जाती है वहां पाए जाते हैं। इनमें जो कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होने के कारण, कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक होने के कारण क्या करते हैं इनका कारण परासरण, एक परासरण क्रिया होती है, परासरण द्वारा के कारण परासरण द्वारा मृदा से जल का अवशोषण होता है। अब लवणोद्भिद पादप समुद्र के जो अंदर उगते हैं पादप, ठीक है, खारे पानी के अंदर या आसपास, तो उनको तो पानी बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन जो खारी जमीन होती है, लवणीय मृदा होती है, वहां पर पानी का अवशोषण कैसे किया जाता है? परासरण क्रिया द्वारा किया जाता है। ये परासरण क्रिया में एक दाब लगता है, कौन सा दाब? परासरण दाब लगता है। इनके जो पत्तियां व स्तंभ, पत्तियां व स्तंभ क्या होते हैं? पत्तियां व स्तंभ गुद्देदार होते हैं, गुद्देदार होते हैं। गुद्देदार होते हैं का मतलब होता है कि इनके फूले हुए होते हैं, इनकी पत्तियां और जो क्या होना सॉरी पत्तियां व तना जो होता है वो क्या होता है? फूले हुए होते हैं। जैसे सुविधा एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए चिनोबोडियम, सुइडा। अब ये ऐसे पादप हैं जो कहां पाए जाते हैं? लवणोद्भिद पादपों में पाए जाते हैं। अब एक नोट है खास, कौन से देखिए, जो नॉट क्या है हमारे लिए कि जो समुद्र के तट पर पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र के आसपास के क्षेत्र में जो पादप पाए जाते हैं उनमें, उन्हें अपन मैग्रोव वनस्पति कहा जाता है। मैग्रोव उन पादपों को, उन वनों को, जंगलों को मैग्रोव वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। और इन मैग्रोव वनस्पति में क्या होता है? इन मैग्रोव वनस्पति में श्वसन करने वाली जड़ें होती, श्वसन करने वाली जड़ें होती है, और उन जड़ों को अपन न्यूमेटोफोर कहा जाता है, अर्थात समुद्र के तट या किनारे पाए जाने वाली वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है, मैंग्रोव वनस्पति कहा जाता है। इनमें क्या होता है? इनमें श्वसन करने वाली, श्वसन क्रिया होने वाली, जिसके चिन्ह जड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, श्वसन करने वाली जड़ें पाई जाती है, जिसे न्यूमेटो न्यूमेटोफोर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहा जाता है, न्यूमेटोफोर का जाता है। तो ये मैग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है? समुद्र के किनारे। एक नंबर का सवाल पूछ लेते, मैग्रोव वनस्पति क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है?
तो मैग्रोव वनस्पति समुद्र के किनारे या तट पर पाए जाने वाली वनस्पति को मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें श्वसन करने वाली जड़ें पाई जाती हैं, और जड़ों का नाम क्या है, न्यू मेटोफोर कहते हैं, न्यू मेटोफोर नाम है उनका। पांचवा अपना है प्रकार आवास के आधार पर अधिपादव, क्या होता है अधिपादव, अधिपादव, इन्हें एपीफाइट कहते हैं, इन्हें इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें एपीफाइट कहते हैं, इन्हें एपीफाइट कहा जाता है। ये क्या होते हैं अधिपादप, यानी अधि का मतलब ऊपर, पादप का मतलब पादप, अधि यानी ऊपर, पादप का मतलब पादप, अर्थात पादपों पर बड़े वृक्षों के ऊपर उगने वाले जो पादप होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। ये परजीवी होते हैं, परजीवी का मतलब ये ऐसा नहीं है कि उन पौधों को खाते हैं, नहीं, ये परजीवी इस प्रकार से है क्योंकि ये बड़े पादपों पर उगते हैं और वहां उगकर क्या करते हैं, वहां उगकर अपने स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, अन्य यानी खुद अलग जमीन पे ना उगे, उग के क्या करते हैं, बड़े पादपों पर उगते हैं और वहां से उगकर अपने भागों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जहां भी इनका हरा जो पर्ण हरित पाया जाता है उसके द्वारा क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये बड़े वृक्ष या पादपों की शाखाओं अथवा तने पर उगते हैं, ये बड़े वृक्ष पादपों की शाखाओं पर उगते हैं तथा, लेकिन होता क्या है, उगते हैं दूसरे पादपों पर लेकिन उनसे अपना भोजन प्राप्त नहीं करते, लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते, अपना भोजन कौन बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब इनमें प्रकाश संश्लेषी जड़े पाई जाती है, इनमें क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी जड़े पाई जाती है। एग्जाम्पल स्टीरियम, तो ये था हमारे अधिपादप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे अब अपन पढ़ते हैं आवर्तविधि पादपों में पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, अर्थात आवर्तविधि पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या है, या वो भोजन अपने आप बनाते हैं या फिर किसी और पर निर्भर करते हैं भोजन पर, भोजन के लिए, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए क्या होता है आवर्त विधि पादपों में पोषण, आवृत अगला है हमारा, आवृत बीजी पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, अर्थात वो अपना भोजन कैसे बनाते, ज्यादातर जो आवर्त बीजी पादप होते हैं वो स्वपोषी होते, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने आप खुद बना लेते हैं, ठीक है, अपने आप खुद बना लेते हैं क्योंकि इनके अंदर हरित लवक पर्ण हरित पाया जाता है। लेकिन कुछ एक आंशिक परजीवी होते हैं, आंशिक परजीवी का मतलब कुछ एक आंशिक परजीवी और कुछ पूर्णतः परजीवी, आंशिक परजीवी का मतलब थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। कुछ एक पादप होते हैं जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, एक अन्य पादप पर निर्भर करते हैं। देखिए अब इसमें आप देखिए, देखिए आवृत
बीजी पादपों में पर्णहरित या हरित लवक क्लोरोफिल जिसे कहते हैं हरित लवक पाया जाता है। ज्यादातर आवृतबीजी पादपों में क्या होता है पर्णहरित हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण आवृतबीजी पादपों में पर्णहरित हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण अधिकतर आवृत बीजी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात स्वपोषी होते हैं। अर्थात क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं कुछ आंशिक या पूर्ण परजीवी होते परजीवी पादप होते हैं कुछ एक आंशिक या पूर्ण परजीवी पादप होते हैं जैसे इसमें देख सकते हैं कुछ एक आंशिक में जैसे आंशिक स्तंभ जीवी अर्थात ऐसे पादप जो किसी अन्य पादप के तने पर उगते हैं या आंशिक मूल जीवी आंशिक स्तंभ जीवी का मतलब जो पौधे के तने पर उगते हैं और क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन आंशिक रूप से ठीक है पूर्णतः निर्भर नहीं होते उनकी सभी क्रियाएं इन पर निर्भर नहीं करती है किसी अन्य पादप पर। ये आंशिक मूल जो जड़ों के साथ उगते हैं ठीक है जैसे राइजोबियमन उसमें पाए जाते हैं फिर है पूर्ण इसी तरह कुछ एक आंशिक होते हैं तो पूर्ण स्तंभ जीवी और पूर्ण मूल जीवी पादप भी पाए जाते हैं। ये पोषण की इनमें क्या होती है फीत या होती है प्रकार। अब कुछ एक ये तो आंशिक और पूर्ण हो गए लेकिन कुछ एक ऐसे पादप होते हैं ठीक है आवृतबीजी में कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जो अन्य जीवों या पौधों के साथ रहने का स्थान खाना वगैरह पा लेते हैं अर्थात वो सारी लाइफ अपनी पूरी जीवन काल को क्या करते हैं किसी अन्य पौधे के साथ बांट लेते हैं अन्य पौधे के साथ ही रहते हैं जीते हैं ठीक है और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं अर्थात आवृतबीजी पादप और आवृतबीजी पादप जिस पौधे पर निर्भर है अपने जीवन के लिए ठीक है दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं फायदा पहुंचाते हैं अर्थात कुछ एक चीजों का आदान प्रदान करते हैं एक पौधा इसको पोषण देता है दूसरा पौधा उसको सुरक्षा देता है इस प्रकार से आदान प्रदान। तो ऐसा जीवन क्या कहलाता है सहजीवन कहलाता है और ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें अपन सहजीवी कहते हैं। नॉर बना के लिखना कुछ आवृत बीजी पादप कुछ आवृत बीजी पादप क्या करते हैं पादप अन्य पादपों के साथ सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं ठीक है अपना जीवन यापन पूरा करते हैं जैसे मटर के कुल में पाया जाने वाला जो राइजोबियम होता है ठीक है। अब राइजोबियम के साथ जो मटर के कुल के जो पादप होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के ठीक है उस पादपों की जड़ों में क्या पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो ये सारी जिंदगी क्या करते हैं साथ में रहते हैं। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और वो
लेग्यूमिनेसी कुल के या मटर पौधों को प्राप्त होता है। और मटर का पौधा उसके लिए जीवाणु के लिए क्या करता है, जो भी भोजन बनाता है उसमें से थोड़ा हिस्सा जीवाणु को दे देता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मटर कुल की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु, ठीक है, ये जीवाणु क्या करता है, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। फिर देख, ये तो था हमारी आवर्तबीजी पादपों में पोषण के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले ले आप पहले इसका, देखिए ये तो था नॉर्मल सी जानकारी आवर्तबीजी पादपों के बारे में। अब हम इसके भागों की, पादपों के जो आवर्तबीजी पादपों की जो आकार की होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उनका आकार कैसा होता है और उसके बाद उनमें कौन कौन से रूपांतरण होते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, तो शुरू करते हैं अपन जड़ की आकार की, जड़ की आकार की, जड़ की आकार की अर्थात संरचना कैसी होती है, बाह्य संरचना कैसी होती है। जड़ पौधे का वह भाग है, जड़ क्या है, पौधे का वह भाग होता है जो धन गुरुत्वानुवर्ती की वृद्धि करता है। धन का मतलब प्लस गुरुत्वानुवर्ती का गुरुत्वाकर्षण, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के धनात्मक गति करता, विपरीत नहीं बल की तरफ गति करता। जड़ हमेशा जमीन के नीचे की तरफ जाती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करता है, नीचे की तरफ लगता है। जड़े भी किस तरफ गति करती है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति करती है। अर्थात क्या होता है, जड़े पौधे में गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व की तरफ गति करती है, और प्रकाश वो ऊपर से आता है पौधे की जड़ें नीचे की तरफ गति करती है, अर्थात प्रकाश की विपरीत गति करती है। और जमीन में जल कहां पाया जाता है, पानी के अंदर, जमीन के अंदर पाया जाता है, तो वो पानी की तरफ गति करती है, अर्थात धन अनुवर्ती गति करती है, ठीक है। अपन इसको कह सकते हैं जड़े पादप का वह भाग है जो धन जलानुवर्ती व धन गुरुत्वानुवर्ती तथा प्रकाश का भी अपन बता देते हैं, तथा ऋण, ऋण का मतलब विपरीत, ऋण का मतलब ऋण प्रकाश अनुवर्ती गति, सॉरी गति क्या, वृद्धि करते हैं। अतः जड़ पौधे का वह भाग है जो धन जलानुवर्ती, धन गुरुत्वानुवर्ती और ऋण प्रकाश अनुवर्ती, अर्थात जल की तरफ, जल और गुरुत्व की तरफ और प्रकाश से विपरीत या दूर की तरफ गति करता है, ठीक है। अब जड़ भ्रूण के मूलांकुर भाग से निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, कई बार पूछा गया है कि जड़ों का विकास भ्रूण के किस भाग से होता है, तो जड़ का विकास भ्रूण के मूलांकुर भाग से होता है। ये इसके बीज चोल को, बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसको फाड़ कर बाहर निकलती है और उसे अपन प्राथमिक जड़ कहते हैं। इन प्राथमिक जड़ के चारों तरफ साइड में से पार्श्व वृद्धि होती है,
जिसे द्वितीयक और तृतीयक जड़े कहते हैं। ठीक है, जड़ का निर्माण या विकास भ्रूण के मूलांकुर बाद से होता है। जड़ के मूलांकुर बाद से होता है, इंपोर्टेंट है, एक नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। जड़ का निर्माण विकास या विकास भ्रूण के मूलांकुर बाद से होता है, यह बीज चौल को तोड़कर बाहर आती है, जिसे प्राथमिक जड़ बनती है। प्राथमिक जड़ बनती है और आगे देखिए, इन प्राथमिक जड़ों के साइड में से और जड़ें निकलती है, जिसे द्वितीयक और तृतीयक जड़ें कहते हैं। तो प्राथमिक मूल में 500 वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक तृतीयक जड़े कहते हैं। द्वितीय तृतीय जड़े कहते हैं, जो प्राथमिक बीज जोल से बाहर निकलती है उसे प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से और 500 में साइड की तरफ और जड़े निकलती है, जिसे सेकेंडरी और टर्शरी यानी द्वितीय और तृतीय जड़े कहा जाता है। अब मूल का जो आगे का भाग होता है, मूल का जड़ निकली उसका जो आगे का भाग होता है, उस पर एक टोपी नुमा संरचना होती है, केप की तरह क्या होती है, संरचना होती है, जिसे जो मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मूल गोप या रूट केप कहा जाता है। अर्थात मूल के शीर्ष भाग पर, मूल के शेष भाग पर टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे मूल गोप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। मूल का वह भाग जो वर्धन, जो वृद्धि करता है, उसे अपन वर्धन क्षेत्र कहते हैं, जिसके कारण क्या होती है, जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है, उसे वर्धन क्षेत्र कहते हैं। इस वर्धन क्षेत्र के आधार पर यह वर्धन क्षेत्र तीन प्रकार का होता है, विभोज्य उत्तकी, दीर्घ उत्तकी, दीर्घीकरण क्षेत्र, विभोज्यते के क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। तीन प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पहले। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया है मैंने आज आपके उपयोगी होगा और काम आएगा आगे, और आपको समझ में भी आया होगा। तो आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए। थैंक यू।